हेलो, मैं डिंपल पांचटा, मैं बराल से हूँ और मैं एक पीजीए मेंबर हूँ। पीजीए मतलब प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन एक चला रहे हैं हम। आज मैं आपको रूटस्टॉक प्रोपोगेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और खुद तैयार कर सकते हैं। और आज के बाद आपको कभी भी न्यू रूटस्टॉक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको आज नई टेक्निक सिखाऊंगा। ये हमारा रूटस्टॉक है, ये लास्ट ईयर हॉलैंड से इंपोर्ट किया था। इसको हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं बिना खर्चे के, इसको आधे से थोड़ा ज्यादा कट कर दीजिए और इसको इस तरीके से बेंड कर दीजिए सॉइल के साथ, और इसमें आप ग्राफ्टी करके आप इसको एक प्लांट भी तैयार हो गया और आपके रूट स्टॉक भी तैयार हो गए। ये किस तरीके से होगा ये मैं आगे आपको बताता हूँ। आप एक ही साल में बहुत सारे रूट स्टॉक तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं से भी रूट स्टॉक खरीदने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार लगा के आप बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। ये जो हमने स्किन इसमें रखी है, ये इस रूट स्टॉक के लिए फूड सप्लाई का काम करेगी। इस तरह से आपका पौधा भी तैयार हो गया, और जो आपको आपने ये रूट स्टॉक नीचे को बेंड करा है, इसको मिट्टी से पूरा पुराई कर दीजिए, पूरा आगे तक जहां तक पूरी जगह है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितने रूट स्टॉक प्रोपोगेट हो सकते हैं, और सितंबर अक्टूबर के करीब आप इसको यहाँ से कट करके इसको अलग कर दीजिए, और इसको पूरा उठा के या दिसंबर जनवरी में उठा के इसको कहीं और ले जाके प्रोपोगेशन कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन सब चीजों के। आपका पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा, और बार बार आपको रूट स्टॉक खरीदने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस साल इसमें शायद आप ये बता सकते हैं कि इसमें ग्रोथ कम आएगी, कोई ना, फिर भी 2-2.5-3 फुट तो आ ही जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से ये अपने हिसाब से चलेगा। और ये मैंने पूरा प्रोपोगेट किया, और ये जेरोमाइन लगाया इस रूट स्टॉक पे, ये रूट स्टॉक 111 है। थैंक यू, काइंडली आप इसे शेयर कीजिए, और ये जो टेक्निक है ये पूरे हमारे किसान बागवानों और भाइयों तक पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच।